दोस्तों सैलानी बाबा 786 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदू में बलि दी जाती है या नहीं। दोस्तों एक महाराज है अनिरुद्धाचार्य नाम से, हिंदू लोग काफी उनके भाषण सुनते हैं। बातें तो बहुत अच्छी करता है ये महाराज, लेकिन दूसरों के धर्म के ऊपर भी काफी उंगलियां उठाता है। इस अनिरुद्धाचार्य महाराज के सदसंग में एक हिंदू लड़की आई जो ईसा अलैह सलाम को मानती है, यानी ईशु मसीह को। जब ये बात अनिरुद्धाचार्य को पता चलती है तो ये किस तरीके से उसको बोलता है, आप खुद देखिए इस वीडियो में। इन दोनों में तुलना करो, हिंदू कहाँ ऊपर है कहाँ नीचे, क्रिश्चियन कहाँ ऊपर कहाँ नीचे। हिंदू धर्म है वो कहता है अहिंसा ही परमो धर्मा, मतलब किसी जीव को ना मारना, किसी को नुकसान ना पहुँचाना, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। हम सब ना पहुँचे, हम किसी की हत्या नहीं करते, हमारे यहाँ दीपक। दोस्तों अनिरुद्धाचार्य शायद खुद ठीक से हिंदू धर्म को नहीं जानता है, लेकिन जैसे आपने अभी इसकी झूठी बातें सुननी तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदू जानवर की बलि देता है या नहीं। क्या सच में हिंदू धर्म में किसी जानवर को मारा नहीं जाता? आप ये वीडियो को देखने के बाद खुद ही फैसला करें और सच्चाई को जान लें। देखिए दोस्तों ये नजारा देखिए, सामने बकरा खड़ा किया है, हाथ में उसे काटने के लिए बड़ा सा चाकू है, सामने एक देवी की हाजिरी भी है, यानी इस औरत के जिस्म में देवी माँ आ चुकी हैं। और आप देखिए कितनी बुरी तरीके से इस बकरे को काटा जाता है। देखा दोस्तों आपने, प्लीज आप इस वीडियो को हर हिंदू के पास भेजे ताकि महाराज लोग किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। अभी देखा अपने वीडियो में बकरे को काट दिया बुरी तरीके से और उसका खून लाके इस देवी की हाजिरी वाली महिला के ऊपर लाकर चढ़ा दिया। अब एक और वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों ये इतना बुरे तरीके से बकरे को काटते हैं जैसे कोई क्रिकेटर बॉल को मारता है, वैसे ही ये बकरे की गर्दन को उड़ाते हैं दोस्तों, और ना मारने से पहले बकरे को पानी पिलाते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको अब पता चल गया होगा हिंदू धर्म में भी बलि दी जाती है देवी देवता को। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें और आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।